वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे सिंपल इनर इक्वेशंस एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। सीमा इज 20 इयर्स ओल्ड एंड रीमा इज 4 इयर्स ओल्ड। सीमा जो है उसकी एज 20 इयर्स है, रीमा जो है उसकी एज 4 इयर्स है। इन हाउ मेनी इयर्स विल सीमा बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रीमा। हमें बोलना है कितने साल बाद सीमा की जो एज होगी वो होगी ट्वाइस, टू टाइम्स एज द एज ऑफ रीमा। हम बोलेंगे लेट द ईयर बी एक्स, वो जो साल होंगे लेट दैट बी एक्स ईयर्स के बाद ये जो कंडीशन है ये फुलफिल होगा। तो अगर एक्स ईयर्स के बाद ऐसा कंडीशन हो रहा है तो एज ऑफ सीमा आफ्टर एक्स ईयर्स क्या होगी? अभी जो प्रेजेंट एज है वो 20 है, एक्स ईयर्स के बाद क्या होगी? वो होगी 20 प्लस एक्स। एज ऑफ रीमा आफ्टर एक्स ईयर्स, अगर उसकी प्रेजेंट एज 4 ईयर्स है, एक्स ईयर्स के बाद क्या होगा? 4 प्लस एक्स। तो क्वेश्चन में क्या कंडीशन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कंडीशन है एक्स ईयर्स के बाद जो एज है सीमा की, दैट मीन्स 20 प्लस एक्स, वो किसके बराबर होनी चाहिए? वो होनी चाहिए टू टाइम्स एज द एज ऑफ रीमा आफ्टर एक्स ईयर्स, मीन्स 4 प्लस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को, 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू एक्स इज 2x। एक्स वाली टर्म उसको हम राइट साइड ले आएंगे, जो एक्स के बगैर है उनको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। 20 यहाँ से 8 शिफ्ट होगा, माइनस 8 बनेगा, 2x राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में एक्स है, ये राइट साइड शिफ्ट होगा, माइनस एक्स बनेगा। 20 माइनस 8 इज 12, 2x माइनस एक्स इज एक्स, विच इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब क्या है? 12 साल बाद ये जो क्वेश्चन में कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगा, मींस रीमा सीमा की जो एज है वो हो जाएगी ट्वाइस एज द एज ऑफ रीमा। देयरफॉर आफ्टर 12 इयर्स एज ऑफ सीमा विल बी ट्वाइस एज द एज ऑफ रीमा। ये था क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.2। थैंक यू।